यह अनुभव है कमेश्वरी देवीदासी का कि कैसे बच्चों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। व्यास पूजा के बाद अद्वैत ने उनसे कहा उन्हें बहुत नींद आ रही है और वह पुस्तक वितरण के लिए नहीं जाना चाहता है। फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं जा सकते हो, पर क्या तुम्हें यह पता है आज का पुस्तक वितरण अपरण हम वैशाखिका प्रभु जी को उनकी व्यास पूजा दिन के लिए करने वाले हैं। फिर उसने कहा ओ फिर मैं ज़रूर जाऊँगा। इस्कॉन में बच्चे साल भर प्रभुपाद जी के सेवा देखते हुए बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि सारे बच्चों के दिल में यह बात बैठ चुकी है कि उनके आचार्यों का सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। पूजा शुरू होने से पहले उन्होंने अभिजीत से कहा कि क्या वो आज का पूजा को नेतृत्व करना चाहेगा। उसने कहा उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो भगवान से क्या मांगे। फिर उसने कहा उसे यह मांगना चाहिए कि भगवान कोई सुझाव दे जिससे वह बहुत सारे पुस्तक वितरण कर सके। वह लोग ने कई परिवार को भगवद गीता दिखाया, उनमें से एक परिवार बहुत धार्मिक था, उन्होंने भगवद गीता का पूरा सेट तुरंत ही खरीदना चाहते थे। वह लोग देर रात 9 बजे तक खड़े थे पुस्तक वितरण के लिए और भी पुस्तक वितरण करना चाहते थे। हरे कृष्णा परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तन।